सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका ज्योति सिंह। इसके पहले के वीडियो में आपने रहीम के चार दोहों की व्याख्या देखी। आइए अब इस वीडियो में उनके पांचवें दोहे की व्याख्या देखते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, इस पंक्ति में कबीर दास ने सच्ची मित्रता क्या होती है उसको दर्शाने का प्रयास किया है कि कही रहीम संपत्ति सगे। रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तो बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, बहुत सारे हितैषी निकल आते हैं। बनत बहुरीत, बहुत बहुरीत, विविध प्रकार से हमारे बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। कब? जब हमारे पास संपत्ति होती है, संपदा होती है, हम धनवान होते हैं, अमीर होते हैं, तो बहुत सारे हमारे मित्र विविध प्रकार से बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मित्र, लेकिन सच्चा मित्र वह होता है जो विपत्ति में काम आता है, जो सुख में नहीं, जो दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। और विपत्ति आने पर ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मित्र, जो विपत्ति रूपी कसौटी पर कसा जाता है वही सच्चा मित्र होता है। फिर से एक बार देखें, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मित। साचे अर्थात सच्चा। रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, हम धनवान होते हैं, तो विविध प्रकार से बहुत सारे मित्र हमारे बन जाते हैं, बहुत सारे हितैषी निकल आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे बारे में सोचने लग जाते हैं, हमारे साथ रहने लग जाते हैं। लेकिन सच्चा मित्र वो होता है जो विपत्ति के समय हमारा साथ निभाता है, जो विपत्ति के समय, दुख के समय कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग करता है, हर क्षण हमारे साथ खड़ा होता है, वही सच्चा मित्र होता है। विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति रूपी कसौटी पर जो मित्र कसा जाता है वही सच्चा मित्र होता है। कसा जाता है से तात्पर्य कि जो मित्र विपत्ति के समय हमारे साथ खड़ा रहता है वही सच्चा मित्र होता है। वो सच्चे मित्र नहीं होते जब संपत्ति मिलने पर बन जाते हैं, सच्चा मित्र वो होता है जो विपत्ति में साथ निभाता है। अगला देखिए, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तौ न छाड़त छो। प्रस्तुत पंक्ति में रहीम दास ने मछली के माध्यम से आदर्श प्रेम को परिभाषित किया है। आदर्श प्रेम होता क्या है, उन्होंने मछली के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जाल परे जल जात बही, जब नदी में जाल को डाला जाता है तो जल जात बही तज मीनन को मोह, मीनन अर्थात मछली, तो जल मछली के प्रेम का परित्याग करके, मछली के मोह का परित्याग करके आगे बढ़ जाता है। वो एक बार नहीं सोचता कि उसके चले जाने के पश्चात मछली की क्या स्थिति होगी। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, जब नदी में जाल डाला जाता है तो जल मछली के प्रेम का परित्याग करके आगे बढ़ जाता है। तज मीनन को मोह, मछली के प्रेम का परित्याग करके आगे बढ़ जाता है। वो ये नहीं सोचता उसके चले जाने के बाद मछली की क्या स्थिति होगी। रहीमन मछरी नीर को तौ न छाड़त छो, और जल के द्वारा ऐसा किए जाने पर भी मछली जल के प्रेम का परित्याग नहीं कर पाती, जल के प्रति अपने मोह का परित्याग नहीं कर पाती। और तौ न छाड़त छो, जल के प्रेम का परित्याग नहीं करती और जल के लिए वो अपने प्राण भी त्याग देती है, तड़प तड़प कर मर जाती है। जब नदी में जाल डाला जाता है तो आपने देखा होगा जल आगे बढ़ जाता है, और उस जाल में कौन फंस जाती है? मछली। क्योंकि जल मछली के प्रेम के बारे में नहीं सोचता, मछली के बारे में नहीं सोचता, वो ये नहीं सोचता कि अगर वो चला जाएगा तो मछली की क्या स्थिति होगी। लेकिन मछली जल के द्वारा ऐसा किए जाने पर भी, उसके जल के द्वारा धोखा दिए जाने पर भी वो जल के प्रेम का परित्याग नहीं कर पाती और जल के ही वियोग में तड़प तड़प कर वो अपने प्राण दे देती है। सच्चे प्रेम में भी यही होता है कि हम अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, सामने वाला हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है हम इसको नहीं देखते, इसको दृष्टिगत नहीं करते हैं। हम कितना करते हैं हम उस पर महत्व देते हैं, वही यहाँ पर है। फिर से देख लीजिए, जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तौ न छाड़त छो। जब नदी में जाल डाला जाता है तो जल मछली के प्रेम का परित्याग करके आगे बढ़ जाता है,
और जल के द्वारा ऐसा किए जाने पर भी मछली जल के प्रेम का परित्याग नहीं कर पाती और उसके लिए तड़प तड़प कर वो अपने प्राण अर्पण कर देती है। दीनन सबको लखत हैं, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंद सम होए। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर ने बताया है कि जो दीनों की देखभाल करता है, दीनों की सहायता करता है, वो ईश्वर के समान होता है। दीनन सबको लखत है, दीन जो निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, वो सबको देखते हैं, सबका सहयोग करते हैं, सबके सहयोग के आकांक्षी होते हैं, वो हर किसी की सहायता के लिए तुरंत तत्पर हो जाते हैं। दीन ही लखे न कोई, लेकिन जो गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, कोई उनके विषय में नहीं सोचता, कोई उनकी चिंता नहीं करता। जो रहीम दीन ही लखे, लेकिन रहीम दास जी कहते हैं कि जो दीनों की सहायता करता है, उनके सहयोग के लिए हाथ बढ़ाता है, दीन बंधु समय हुए, वो दीनों का बंधु अर्थात परमात्मा के समान हो जाता है। फिर से देख लीजिए, दीनन सबको लखत हैं, दीन ही लखे न कोई, जो निर्धन व्यक्ति होते हैं, गरीब होते हैं, वो सबकी सहायता करते हैं, सबकी सहयोग के आकांक्षी होते हैं, हर किसी की सहायता के लिए वो तुरंत तत्पर हो जाते हैं, लेकिन उनको देखने वाला, उन निर्धनों और गरीबों को देखने वाला कोई नहीं है, उनको कोई नहीं देखता, उनकी कोई सहायता नहीं करता। लेकिन जो उनकी सहायता करते हैं, जो दीनों के साथ खड़े रहते हैं, उनकी हर संभव उनकी सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, वो दीनों के बंधु अर्थात परमात्मा के समान हो जाते हैं। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। पथिक अर्थात राहगीर। इसमें प्रेम की अनन्यता, ईश्वर के प्रति रहीम ने प्रेम की अनन्यता प्रतिपादित की है कि प्रीतम छवि नयनन बसी, हमारे नेत्रों में तो परमात्मा रूपी प्रीतम का सौंदर्य समाया हुआ है, पर छवि कहाँ समाए, तो दूसरे का सौंदर्य इसमें कहाँ से आ सकता है। प्रीतम छवि नयनन बसी, हमारे नेत्रों में तो परमात्मा रूपी प्रीतम का सौंदर्य समाया हुआ है, पर छवि कहाँ समाए, इसमें दूसरे क्या सौंदर्य कहाँ समाविष्ट हो सकता है, दूसरे का सौंदर्य कहाँ आ सकता है। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए, ठीक उसी प्रकार जैसे यात्रियों से भरी हुई कोई सराय हो, पथिक अर्थात राहगीर, सराय जहाँ पे यात्री रुकते हैं, यात्रियों से भरी हुई कोई सराय हो और राहगीर स्वयं स्थान पा नहीं पाकर लौट जाता है, यात्रियों से भरी हुई कोई सराय, जैसे आप यदि कहीं जाते हैं किसी होटल में रुकना है, आपको किसी सराय में रुकना है, किसी धर्मशाला में रुकना है, यदि वहाँ पे जगह नहीं है, तो स्थान नहीं है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। अगर आप बस से कहीं सफ़र करना चाहते हैं, बस में स्थान नहीं, तो क्या होता, आप उतर जाते हैं, है ना। स्थान चाहिए हमें वहाँ पर प्रतिष्ठित होने के लिए, तो वही यहाँ पर है कि हमारे नेत्रों में तो पहले से ही परमात्मा बसे हुए हैं, तो फिर जब परमात्मा वहाँ पे हैं तो किसी के लिए स्थान ही नहीं है, कोई दूसरा उसमें आ कैसे सकता है। जैसे यात्रियों से भरी कोई सराय होती है और पति का स्थान ना पाकर लौट जाता है। प्रियतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, हमारे नेत्रों में तो प्रियतम अर्थात परमात्मा रूपी प्रीतम का सौंदर्य समाया हुआ है, दूसरे का सौंदर्य उसमें कहाँ आ सकता है। जैसे यात्रियों से भरी हुई उन्होंने दृष्टांत के माध्यम से समझाया है कि जैसे यात्रियों से भरी हुई कोई सराय होती है और पथिक उसमें स्थान ना पाकर वापस लौट जाता है, इसी से मिलता जुलता कबीर ने भी कहा है। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमी रहे, दूजा कहाँ समाए। क्योंकि नेत्र में तो केवल एक का ही निवास स्थान है और वो तो है परमात्मा, फिर दूसरा कहाँ से आ सकता है। आइए काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा की बात करें तो चारों पंक्तियों में जो भाषा है वो ब्रज है, रहीम ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। शैली की बात करें तो शैली मुक्तक है, छंद आपका दोहा ही है, ऊपर दोहा लिखा भी है। रस की बात करें तो रस सब में शांत है, शांत इसलिए है कि चारों पंक्तियों में बात कही गई है, उपदेश दिया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है, एक सीख एक संदेश दिया गया है, जिसके कारण रस आपका शांत हो जाएगा। अलंकार की बात करें तो अलंकार अनुप्रास भी है और दृष्टांत भी है। अलंकार की बात करें तो अलंकार अनुप्रास भी है, दृष्टांत भी है। दृष्टांत कहाँ होता है कि जहाँ पे एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है, दृष्टांत होता है। तो अंतिम पंक्तियों में आपने देखा, एक बात कही गई फिर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही गई, तो इसके कारण यहाँ पे दृष्टांत है और अनुप्रास आपको मिल ही जाएगा। शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति अविधा है। गुण की बात करें तो गुण प्रसाद है। इस पंक्ति में
रहीमन मछरी नीर को। इसमें एक और अलंकार है जिसको हम अन्योक्ति कहते हैं। अन्योक्ति मतलब किसी भी पद के दो अर्थ निकले, तो यहाँ पे दो अर्थ निकलता है, पहले जल का है फिर दूसरा प्रेम का है। तो जिसके कारण पहले मछली के प्रेम को बताया गया है और फिर सामाजिक प्रेम को बताया गया है, जिसके कारण उसमें अन्योक्ति अलंकार भी है। इस अगले वीडियो में हम अगले दोहे की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।